गुड मॉर्निंग. आपने अपना होमवर्क किया पिछली क्लास का? क्या होमवर्क था मैम? इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का चैप्टर आपको पढ़ना था अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से. पढ़ लिया है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो. डोंट इग्नोर योर होमवर्क. आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर जीएसटी. पूरा जीएसटी जिस नींव पर टिका है वो है ये वाला चैप्टर, इसलिए इम्पोर्टेंट है. देखो, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है. टैक्सेबल इवेंट होता है नींव. किस चीज की नींव मैम? किसी भी टैक्स के लॉ की. यानी कि वो टैक्स किस ट्रांजैक्शन पे लगेगा या किस एक्टिविटी पे लगेगा, उस ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी के होने को कहा जाता है टैक्सेबल इवेंट. जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, इसलिए ये चैप्टर है जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी. हम सप्लाई का मतलब समझेंगे इस चैप्टर में. तो ऐसे कोई भी इवेंट जिससे इंसिडेंस ऑफ टैक्स अराइज हो जाए. क्या अराइज हो जाए? इंसिडेंस ऑफ टैक्स. इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स का लागू होना. तो टैक्स का लागू होना होता है हमारा टैक्सेबल इवेंट, और जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई. तो इस चैप्टर में हम समझेंगे दो सेक्शंस. एक का नाम है सेक्शन 7 और दूसरे का नाम है सेक्शन 8. ये सेक्शन नंबर्स आपको याद करने हैं, ये याद रखने हैं. सेक्शन 7 हमें बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई, और सेक्शन 8 बताता है टैक्स लायबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सेक्शन 8 हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सेक्शन 7 हमें बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई. अब देखो, ये बोल रहा है स्कोप ऑफ सप्लाई, नॉट मीनिंग ऑफ सप्लाई. ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में मीनिंग दिया हुआ ही नहीं है सप्लाई का. इस सेक्शन में सिर्फ ये बताया गया है क्या तो सप्लाई के मीनिंग में इंक्लूड होगा और क्या सप्लाई के मीनिंग में एक्सक्लूड होगा. तो मैम, सप्लाई का मीनिंग क्या है? सप्लाई का मीनिंग वो है जो हम जनरल सेंस में उसका मीनिंग समझते हैं डे टू डे पर्पस के लिए, वो है सप्लाई का मीनिंग. एक्ट क्या बताता है हमें? एक्ट हमें बताता है स्कोप, कि आप जो जनरल मीनिंग समझते हो उसमें कुछ इंक्लूजन और कुछ एक्सक्लूजन हैं, वो हम आपको बताएंगे इस सेक्शन के थ्रू. सेक्शन 7 के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे तीन शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3. इनके नाम देख के आप अभी मत घबराना, बहुत इजी है. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. बिल्कुल इजी है. जैसे जैसे हम सेक्शन 7 डिस्कस करते जाएंगे, साथ साथ हमें शेड्यूल्स को भी डिस्कस करते चलेंगे, और आपको साथ साथ ये याद हो जाएंगे. तो अभी तक आपने दो सेक्शन नंबर्स याद किए, सेक्शन 7 यानी कि स्कोप ऑफ सप्लाई और सेक्शन 8 यानी कि टैक्स लायबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज. शुरू करते हैं सेक्शन 7 से. सप्लाई इंक्लूड्स. देखो, मैंने आपको कहा था ना ये सेक्शन मीनिंग नहीं बताएगा, ये नहीं कह रहा कि सप्लाई मींस, ये कह रहा है सप्लाई इंक्लूड्स. इसको हम दूसरी भाषा में इंक्लूसिव डेफिनेशन भी कहते हैं, यानी कि ऐसी डेफिनेशन जिसमें मीनिंग नहीं दिया हुआ बट ये दिया हुआ है कि क्या क्या इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाए. इस डेफिनेशन को पढ़ो. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. सच एज का मतलब एग्जाम्पल, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई कब बनेगी? जब वो तीन कंडीशंस मीट करे. पहली, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. सप्लाई होनी चाहिए या तो गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की मिली जुली सप्लाई. इसके अलावा किसी भी चीज के सप्लाई को हम सप्लाई नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. कुछ एग्जांपल्स दिए फिर इसके.
फिर कहा गया इट शुड बी मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि फ्री के सप्लाई को सप्लाई नहीं माना जाएगा, कंसिडरेशन के लिए किया हुआ सप्लाई ही सप्लाई माना जाएगा, दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन, बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज योर थर्ड कंडीशन. पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं मानेंगे, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही सप्लाई माना जाएगा. इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ. आप एक एग्जांपल लेते हैं और आपका नाम अज्यूम कर लेते हैं मिस्टर श्याम. आप वो एक स्टूडेंट, आप कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे. आपने अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदा था, कब? 2016 में सपोजिंगली. ये स्मार्टफोन आपने 2 to 3 years के लिए यूज किया और अब आप डिसाइड करते हो कि इस स्मार्टफोन को सेल करके एक नया स्मार्टफोन लिया जाए, जो भी लेटेस्ट मॉडल आपके पसंद का है. आप इस स्मार्टफोन को जब सेल करते हो तो आप इसको सेल कर देते हो सपोजिंगली 10,000 का. अब ये जो आपने सेल की, क्या ये सप्लाई है? इज दिस अ सप्लाई अंडर जीएसटी? जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने पढ़ी थी सप्लाई की तीन कंडीशंस होनी चाहिए. पहली कंडीशन, इट शुड बी गुड्स और सर्विसेज और बोथ. फोन आपका गुड्स है, नो डाउट. सेकंड कंडीशन, इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन. क्या आपने इसके बदले पैसे लिए? बिल्कुल ही आपने 10,000 रुपए का फोन बेचा है, कंसीडरेशन भी है. तीसरी कंडीशन, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्या ये बिजनेस के नेचर में है? सोचो और बताओ, क्या ये बिजनेस कर रहे हो आप या आप अपना फोन बेच रहे हो सिर्फ? ये बिजनेस के नेचर में नहीं है, दिस इज योर पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर जीएसटी. तो आप अपना फोन आराम से बेच सकते हो, नो जीएसटी विल अप्लाई ऑन दिस. अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जिनका नाम है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. ये 8 एग्जांपल दिए एक्ट में कि ये सब चीजें सप्लाईज हैं. कैसे एग्जांपल? सेल, सेल का मतलब आप समझते हो, नॉर्मल आप कैश देते हो और सामान ले लेते हो, दैट इज सेल. सेल की तरह ही होता है ट्रांसफर. एक होता है बार्टर और एक्सचेंज. व्हाट इज बार्टर एंड एक्सचेंज? दिस इज नॉट गिविंग मनी बट एक्सचेंजिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग. आपने फोन के बदले पैसे नहीं लिए, आपने फोन के बदले उसका दूसरा फोन ले लिया, दैट इज योर बार्टर और एक्सचेंज. फिर आता है लाइसेंस, रेंटल, लीज. इन तीनों का बेसिकली मतलब है रेंट. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. कोई भी चीज आप रेंट आउट करते हो उसको कहा जाता है लाइसेंस, रेंटल और लीज. नेक्स्ट इज डिस्पोजल. डिस्पोजल का क्या मीनिंग है? और डिस्पोजल, हाउ इज इट डिस्पोजल सप्लाई? आपने अपने ऑफिस से जो भी कूड़ा कचरा कलेक्ट हुआ था वो सारा बाहर फेंक दिया, क्या ये सप्लाई है? नो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन. लेकिन एग्जाम्पल करो, एक एग्जाम्पल लो एक हॉस्पिटल का. इस हॉस्पिटल का वेस्ट कैसा होता है? यूज्ड इंजेक्शंस, मेडिसिन बॉटल्स, यूज्ड मेडिकेशन, यूज्ड ड्रेसिंग्स. ड्रेसिंग पता है आपको, जो वूंड पे ड्रेसिंग करते हैं डॉक्टर, वो जब हट जाती है तो दैट बिकम्स अ यूज्ड ड्रेसिंग. अब क्या ये जो इसका आउटपुट है ये नॉर्मली डिस्कार्ड कर सकते हैं क्या? आपने किसी भी हॉस्पिटल के आसपास के कूड़ा घर में डाल सकते हैं? नेवर. दे हैव टू सेल दिस सो दैट द कंपनी कैन प्रॉपरली डिस्कार्ड दिस इन अ मैनर दैट इज नॉट हार्मफुल टू द सोसाइटी. क्योंकि अगर ये ऐसे ही इधर उधर पड़ा मिला तो इट कैन हार्म द सोसाइटी. कोई भी अगर इनको यूज कर लेगा तो इट विल हार्म देम. तो इसको डिस्पोज करने के लिए भी हॉस्पिटल पैसा देता है, इसलिए डिस्पोजल को भी सप्लाई माना गया है. अब यहां पर कुछ टर्म्स आते हैं हमारे पास. एक टर्म आता है गुड्स, दूसरा सर्विसेज. गुड्स की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में और सर्विसेज की सेक्शन 2 क्लॉज 102 में. ये दोनों डेफिनेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 31 में, बिजनेस की 2 क्लॉज 17 में और पर्सन की 2 क्लॉज 84 में.
क्या मैम हमें ये सारे सेक्शन सब सेक्शन याद करने हैं? सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गुड्स और सर्विसेज इन पांचों में से ये वाले दो याद रखो। कौन कौन से सेक्शन हमने अभी तक किए? सबसे पहले हमने किया सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, ये तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक। दूसरा हमने किया सेक्शन 2 क्लॉज 52 मीनिंग ऑफ गुड्स। तीसरा हमने किया सेक्शन 2 क्लॉज 102 मीनिंग ऑफ सर्विसेज। ये तीन सेक्शंस आपको अभी तक याद रखने हैं। अब गुड्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल एक्सक्लूडेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड, बिल्डिंग वगैरह। तो गुड्स की डेफिनेशन से इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है। और क्या क्या बाहर है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज? मनी भी बाहर है और सिक्योरिटीज भी बाहर है, बट इंक्लूड्स कुछ चीजें लेकिन इंक्लूड की गई हैं, वो क्या हैं? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सिवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये सर्व्ड नहीं है, सिवर्ड है। सिवर्ड मतलब अलग कर देना। तो कुछ चीजें गुड्स की डेफिनेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो तीन चीजें बाहर हैं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा मनी एंड तीसरा सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाहर किया है तो इंक्लूड क्या क्या किया है? एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। क्रॉप्स और ग्रास भी बिकते हैं, और इसी तरीके की कोई और चीज जो लैंड के साथ अटैच्ड हो वो भी सेल हो सकती है, लेकिन उसको सप्लाई तभी माना जाएगा अगर इट इज अग्रीड टू बी सिवर्ड बिफोर सप्लाई, यानी कि उसको सप्लाई से पहले लैंड से अलग कर दिया जाएगा। ये अग्रीमेंट हुआ है तो ही उसकी सेल को सप्लाई माना जाएगा। अब आते हैं डेफिनेशन मनी की। मनी की डेफिनेशन हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर हमने रेफर किया था मनी को। डेफिनेशन आती है मनी की सेक्शन 2 क्लॉज 75 में, जो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर, मनी का मतलब क्या होता है? जनरली क्या समझते हैं मनी का मतलब? आपके पास जो कैश है, आपके पास कॉइन्स हो सकते हैं, आपके पास करेंसी नोट्स हो सकते हैं। यस, दिस इज ऑल मनी। क्या फॉरेन करेंसी को भी मनी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। क्या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी मनी माना जाएगा? बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट वगैरह, क्या इनको भी मनी माना जाता है? बिल्कुल मनी माना जाता है। तो मनी में हमारा लीगल टेंडर आ गया। लीगल टेंडर मतलब आपका कैश, फॉरेन करेंसी, कुछ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह, या अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई, कोई और इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई रिकॉग्नाइज कर दिया एज मनी। व्हेन यूज्ड एज अ कंसीडरेशन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। आपके पास महाराज अशोक के टाइम का एक सिक्का रखा हुआ है, ये कॉइन क्या आप मनी की तरह यूज करते हो? ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह, ये एक इन्वेस्टमेंट की आइटम। इसको जब आप सेल करोगे तो ये कॉइन मान लो 10 पैसे का था, आई डोंट नो क्या करेंसी थी उस टाइम, बट सपोजिंग 10 पैसे का था, तो क्या आप 10 पैसे के अगेंस्ट ही सेल करोगे? नो, हो सकता है ये थाउजेंड्स ऑफ रुपीज या लैक्स ऑफ रुपीज में बिके। तो ये कॉइन इज नॉट मनी, दिस इज नॉट योर करेंसी, दिस इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। So this will not be included in the definition of money. Next definition आती है securities की। बड़ी ही simple definition है कि securities means as defined under Securities Contract Regulation Act of 1956. वो definition मैंने यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा relevant नहीं है। कुछ examples लिखे हैं shares, bonds, debentures वगैरह, जिनको इस act के तहत securities माना गया है। इन securities की sale purchase goods की definition से बाहर है। एक और हमने टर्म पढ़ी थी एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इज एज डिफाइंड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस एक्ट में बेसिकली दिया हुआ है बहुत
कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, बट उसका सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो है क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड डेट, उसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। जितने आपके अनसिक्योर्ड डेटर्स होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सब आपके एक्शनेबल क्लेम्स हैं। आपने कोई लॉटरी की टिकट परचेज की है, दैट इज ऑल्सो योर एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडेड है गुड्स की डेफिनेशन में, तो ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं सर्विसेज की डेफिनेशन पे, सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सर्विसेज डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 102 में। कौन कौन से सेक्शंस हो गए ये बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद रहेंगे आपको। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, उसके बाद हमने कौन सा सेक्शन किया, सेक्शन 2 क्लॉज 52 डेफिनेशन ऑफ गुड्स, सेक्शन 2 क्लॉज 102 डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। ये तीन सेक्शंस आपको याद रखने हैं जो हमने अभी तक किए। सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। हर वो चीज जो ना तो गुड्स है ना मनी है ना सिक्योरिटीज है, वो सब मानी जाएंगी सर्विसेज। तो क्या हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सर्विस मान लें, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो लगता है यस। ऑल योर लैंड एंड बिल्डिंग्स आर योर सर्विसेज, लेकिन वैसे नॉर्मली सोचे तो लगता है कि लैंड और बिल्डिंग सर्विसेज कैसे हो सकती है। तो इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं सस्पेंस के लिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट क्या है जीएसटी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है और सर्विसेज की डेफिनेशन में अभी अंदर आ गई है। तो सर्विसेज की डेफिनेशन है एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर अ सेपरेट कंसिडरेशन। आपने अगर 100 रुपए के नोट के अगेंस्ट आपके पास 100 का नोट था और आपने इसको एक्सचेंज करा लिया 10-10 रुपए के 10 नोट के साथ, तो क्या ये सर्विस है? नो, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है। आपने 100 रुपए ही दिए थे, बदले में 100 रुपए ही ले लिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके नोट चेंज किया उसने कहा कि आपको 100 के बदले मिलेंगे 90, क्योंकि मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ मनी एक्सचेंज की। मैं चेंज कर रहा हूँ आपका मनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, तो आप 100 रुपीज का एक नोट दो, बदले में मैं आपको दूंगा 90 रुपीज, यानी कि 9 नोट्स ऑफ रुपीज 10। अब ये बन जाएगा सर्विस, वो इंक्लूसिव वाले पार्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर्म भी हो सकता है, आपने 10 रुपीज का कॉइन देकर और 10 रुपीज का नोट ले लिया, या आपके पास था कॉइन और आपने इसके बदले लिया नोट। अगर इसकी कंसिडरेशन चार्ज किया आपसे तो ये बन गया सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन कैसे हो सकती है, इसमें उन्होंने कहा कि आपको 11 रुपीज देने होंगे, उसके बदले आपको एक 10 रुपीज का नोट मिलेगा, तो 1 रुपी हो गई आपकी कंसिडरेशन। दिस इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सर्विस की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, अब आते हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन पे। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने जो सप्लाई का मीनिंग पढ़ा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में, उसमें लिखा था एक कंडीशन सप्लाई की, इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या क्या होती है, अगर मैंने ये पेन बेचा है सपोजिंगली और इस पेन के अगेंस्ट मनी लिया तो दैट इज कंसिडरेशन, वी ऑल नो। लेकिन अगर इस पेन के अगेंस्ट मैंने सपोजिंगली ये वाटर बॉटल ले लिया तो क्या ये कंसिडरेशन है वाटर बॉटल, वो हम समझेंगे कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कंसिडरेशन दो तरीके की हो सकती है। पहली हो सकती है पेमेंट, पेमेंट इन कैश या इन काइंड। इन कैश का मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन काइंड का मतलब अदर देन मनी। हो सकता है मनी के अलावा किसी तरीके से पेमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया पेन का और बॉटल का। दूसरा क्या हो सकता है कंसिडरेशन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबेरेंस। सपोजिंगली आप एक सिंगर के पास गए और सिंगर ने कहा कि आपका मुझे ये पेन बहुत पसंद है, ये पेन आप मुझे दे दो, तो आपने कहा कि आप बदले में क्या दोगे। अब आपको सिंगर की आवाज बहुत पसंद है और सिंगर ने आप
के लिए इस पेन के बदले में गाना गा दिया. दिस इज हिज एक्ट. इस एक्ट के मॉनेटरी वैल्यू होगी आपकी कंसिडरेशन या फॉरबेरेंस भी हो सकता है. फॉरबेरेंस क्या होता है कि आप मुझे ये पेन दे दो, इसके बदले मैं कुछ नहीं करूंगा. सपोजिंगली आपके ऑफिस के बाहर कोई हर रोज नॉइज करता था बहुत ज्यादा. अब आपने उससे सेटलमेंट की कि मैं आपको ये पेन दे रहा हूँ, इसके बदले आप ये नॉइज आगे से नहीं करोगे. तो दिस इज फॉरबेरेंस. इसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो होती है आपकी कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन तीन तरीके की हो सकती है. पहली पेमेंट इन कैश, दूसरी पेमेंट इन काइंड, तीसरा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस. एक्ट का मतलब किसी काम का होना और फॉरबेरेंस का मतलब किसी काम का ना होना. कंसिडरेशन में एक्सक्लूड होगी सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके की कोई सब्सिडी देती है तो हम उसको कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे. आगे आते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 84. पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. बेसिकली बिजनेस करने के जितने भी तरीके होते हैं, आप अपने नाम से भी बिजनेस कर सकते हो, आप HUF के नाम से बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी फॉर्म करके बिजनेस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, वो सभी यहाँ पे इंक्लूडेड है. उन सबको माना जाता है पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एनी टैक्सिंग इंस्टीट्यूट. पहला इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, वो आएंगे AOP BOI में. कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी भी इंक्लूडेड है. बॉडी कॉर्पोरेट होती है जनरली आउटसाइड इंडिया, कंपनी होती है विद इन इंडिया. इंडिया में जो फॉर्म हुई है कंपनी उसे हम कहते हैं कंपनी, जो बाहर फॉर्म हुई है कंपनी उसे हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट. एंड लास्ट कॉपरेटिव सोसाइटी, ये सभी हम मानेंगे पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ GST. अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन सेक्शन 2 क्लॉज 17. बिजनेस की डेफिनेशन क्यों जरूरी है? एक कंडीशन थी सप्लाई की दैट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसलिए हमें समझना जरूरी है कि बिजनेस में क्या क्या आता है, जिससे हम ये समझ पाए कि हमारी ट्रांजैक्शन में भी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है. बिजनेस की डेफिनेशन में देखो क्या क्या आता है. ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मल जो हम चीजें समझते हैं बिजनेस से वही सब लिखी है. प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट फॉर पिक्यूनियरी बेनिफिट. पिक्यूनियरी बेनिफिट मतलब, पिक्यूनियरी का मतलब मैंने आपको बताया था, पिक्यूनियरी का मतलब होता है मनी रिलेटेड. आप मनी रिलेटेड बेनिफिट के लिए करो या ना करो, अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो दैट इज बिजनेस. सिमिलरली एनी एक्टिविटी व्हिच इज इंसिडेंटल या एंसिलरी टू दिस, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज बिजनेस. अगर आप ये एक्टिविटीज कर रहे हो लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, आप कभी कभी करते हो, तो भी उसको बिजनेस माना जाएगा. यानी कि एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अबव वेदर और नॉट देर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी. आप कंटिन्यूसली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हो या कितनी ज्यादा वॉल्यूम में कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है इसके बिजनेस होने या ना होने से. बिजनेस की डेफिनेशन में और क्या क्या आता है? फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू मेंबर्स बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी. कोई भी क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी पैसे लेकर सब्सक्रिप्शन के लिए या अदर कंसिडरेशन के लिए कोई भी फैसिलिटी या बेनिफिट देती है अपने मेंबर्स को, दैट इज आल्सो बिजनेस. एडमिशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन. टिकट्स बेच रहे हो आप किसी भी शो की या किसी क्रिकेट मैच की, दैट इज ऑल बिजनेस. सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच इज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन. जैसे ऑडिटर, ऑडिटर का ऑफिस आपने अज्यूम किया कि मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, तो उसके लिए आपको जो कंसिडरेशन मिलती है दैट इज आल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. इसी तरीके से कुछ और भी चीजें हैं, रेस क्लब वगैरह, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज बिजनेस. रेस क्लब में जो बुकिंग का काम होता है दैट इज बिजनेस. एक्टिविटी ट्रांजेक्शन आर टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज,
This is also covered under the definition of business. तो हमने पढ़ा supply का meaning, जिसमें cover होता है तीन conditions. पहली condition क्या है? It should be supply of goods or services or both. दूसरी condition क्या है? It should be for consideration. Consideration का meaning हमने discuss किया. Goods services का meaning हमने discuss किया. And तीसरी condition it should be in the course or furtherance of business. यहाँ पे business का meaning हमने discuss किया. ये हुई आपकी सप्लाई की सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1. अभी हमने पढ़ा सेक्शन 7(1)(a) जिसमें लिखा था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग सेल ट्रांसफर बाय एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल वगैरह वगैरह, और जिसमें हमने तीन कंडीशंस भी पढ़ी. बट उन कंडीशंस में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम अब पढ़ेंगे. 7(1)(b) क्या कहते हैं? सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाना for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. यानी कि अगर आप services import कर रहे हो, for a consideration कर रहे हो, तो वो आपके business की nature में या किसी और nature में, it doesn't matter. इसका example क्या हो सकता है? Supposing कि एक chartered accountant है, वो अपना घर बना रहे हैं, और ये घर बनाने के लिए वो interior decorator appoint करते हैं. ये इंटीरियर वाला वो अपॉइंट करते हैं फ्रांस से. एक व्यक्ति फ्रांस से अपनी सर्विसेज दे रहा है दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर बनाने के लिए. दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो, बिकॉज़ दिस ही इज मेकिंग हिज हाउस, और हाउस इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बट स्टिल दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोविजन. Supply includes importation of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. Dusra, the activity specified in Schedule 1, made or agreed to be made without a consideration. Yani ki Schedule 1 mein likhi bhi activity aap consideration ke liye karo ya without consideration free mein karo, usko hum supply manenge. This is also an exception. ये वाली एक्सेप्शन कौन से प्रिंसिपल की थी? कि सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन बिजनेस की नेचर में हो या नॉन बिजनेस नेचर की हो, उसको हम सप्लाई मानेंगे. एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, वो कंसीडरेशन हो या ना हो, उसको हम सप्लाई मानेंगे. शेड्यूल 1 अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. डी, द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज as referred to in Schedule 2. हमने goods की और services की definition पढ़ी, लेकिन कुछ transactions ऐसी होती हैं जो हम discuss करेंगे, जिसमें clear नहीं होता कि ये goods है या services है. उन transactions को Schedule 2 में specify करके goods या services deem कर लिया गया, यानी कि मान लिया गया कि इस तरह के transaction को हमेशा goods माना जाएगा और इस तरह के transaction को हमेशा services माना जाएगा. वो Schedule 2 भी हम आज पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 1 से. शेड्यूल 1 का क्या नाम है? सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन. ऐसी सप्लाई जो सप्लाई मानी जाएगी इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन, यानी कि फ्री में की हुई सप्लाई भी सप्लाई मानी जाएगी. कौन सी? जो मेंशन्ड है शेड्यूल 1 में. फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स where ITC has been availed. हमने concept पढ़ा था input tax credit का. आप जो भी purchase करके लाते हो उसका आपको input tax credit मिलता है, और जब sale करते हो तो उसपे आप output tax pay करते हो, जिसमें से ITC adjust हो जाता है. आप business के कुछ assets purchase करके लाए थे जिस पर आपने purchase के समय input tax credit ले लिया था. इसे आप अगर transfer करो या dispose करो even without consideration, तो भी इसको supply माना जाएगा. एग्जाम्पल देते हैं इसका. मिस्टर श्याम है, आज हमने नाम चेंज किया हुआ है, मिस्टर राम नहीं, मिस्टर श्याम का एग्जाम्पल लेंगे. मिस्टर श्याम है, इनका बिजनेस है, सपोजिंग ये फर्नीचर बनाते हैं, और ये फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर उठाकर ले जाते हैं अपने घर. क्या इसकी उन्होंने कंसिडरेशन दी है? नो. बट क्या ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है? Yes, it is disposal of business assets without consideration. यही ये फर्नीचर घर नहीं लेके जाते हैं, चैरिटी में दे देते हैं.
is it still covered under Schedule 1? Yes, because it is transfer or disposal of business assets without consideration. Second point, supply between related persons. संबंधित लोगों के बीच सप्लाई या फिर deemed distinct persons, ऐसे लोग जो एक ही व्यक्ति हैं लेकिन उनको मान लिया गया है अलग-अलग, इन लोगों के बीच में जो सप्लाई होती है without consideration वो भी सारी taxable है और उसको supply माना जाएगा. Related persons कौन लोग हैं वो हम पढ़ेंगे explanation to section 15 में, जो हम आज की क्लास में ही कवर करेंगे. और deemed distinct persons ये हैं section 25, जो भी हम आज की क्लास में ही कवर करेंगे. Related persons की definition जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि employer और employee को भी related person माना गया है. तो अगर employer employee को कोई gift देता है तो क्या वो taxable हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि this is supply between related persons without consideration. लेकिन एक exception दी गई इसको, gifts not exceeding ₹50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. यानी कि अगर employer employee को gift देता है 50,000 तक की value के, कितने time में? In a financial year. Financial year होता है 1st April to 31st March. इस time में अगर 50,000 तक की value के वो gift देता है तो वो taxable नहीं है, उससे ज़्यादा वाले ही taxable होंगे. तीसरा पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल है, उसने अपने एजेंट को गुड्स दे दिए कि आप ये गुड्स मेरे बिहाफ पर बेच कर आओ. तो प्रिंसिपल जब एजेंट को ये गुड्स देगा उसको भी जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा. सिमिलरली अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है, सपोजिंगली प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा हुआ है गुजरात, दिल्ली का प्रिंसिपल है और उसने गुजरात भेजा हुआ है कि आप मेरे बिहाफ पे परचेज करके लाओ, तो भी ये रिसीव करने का एक्ट भी सप्लाई माना जाएगा. यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब सप्लाई मानी जाएंगी. लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन, ये बीच में चेंज हो गया देखो, import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business. Import of services का हमने भी एक point और पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने वो? Import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, उसको हम हमेशा मानेंगे supply. वहाँ पे था for consideration, यहाँ पे क्या रहा है? Without consideration. Import of services without consideration कब supply माना जाएगा? जब वो किसी related person से हो या अपनी ही किसी branch जो इंडिया से बाहर है वहां से import हो और in the course or furtherance of business हो, तभी उसको माना जाएगा supply. चारों points आपको clear हुए? अब कुछ definitions हैं हमें जो discuss करनी है points को अच्छे से समझने के लिए. सबसे पहली definition, related persons. बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें टफ हो. पहला पॉइंट, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. अगर मेरे बिजनेस का, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें मैं ओनर हूं, उसका कोई व्यक्ति डायरेक्टर है तो उस डायरेक्टर को और मुझको रिलेटेड पर्सन माना जाएगा. सेकेंड, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस में पार्टनर्स हैं और ये पार्टनर्स लीगली रिकॉग्नाइज हैं उनको भी रिलेटेड पर्संस माना जाएगा. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ये हमने पहले ही पढ़ा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को हमेशा ही रिलेटेड पर्सन माना जाएगा. फोर्थ, एनी पर्सन ओन्स कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ. यानी कि दो कंपनी हैं, अगर उन दोनों कंपनीज का मैं 25% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करूं तो वो दोनों कंपनी रिलेटेड मानी जाएंगी. नेक्स्ट, रिलेटेड पर्संस, वन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर. अगर मेरा किसी और व्यक्ति पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है, सपोजिंगली वो व्यक्ति कोई कंपनी है, हमने पढ़ा पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, अगर मेरा किसी कंपनी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है तो मुझे और कंपनी को रिलेटेड माना जाएगा.
both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Supposedly, मेरा दो companies पर direct या indirect control है, तो उन दोनों companies को भी related माना जाएगा. Together, they directly or indirectly control a third person. Supposedly, मेरा और एक और व्यक्ति का, दोनों का control है किसी एक company पे, तो हम दोनों को भी related person माना जाएगा. Members of the same family. एक ही फैमिली के अगर मेंबर्स हैं तो उनको भी रिलेटेड माना जाएगा, लेकिन फैमिली की डेफिनेशन दी हुई है क्योंकि फैमिली का मीनिंग हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है. सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनेयर, इसका मतलब है किसी भी एक एरिया में आपने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया कि आप ही हो इस एरिया के एजेंट, मैं एज अ प्रिंसिपल कोई और एजेंट अपॉइंट नहीं करूंगा. या आप सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हो या सोल कंसेशनियर अपॉइंट करते हो, तो आपको और उस एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को या कंसेशनियर को रिलेटेड पर्सन माना जाएगा. फैमिली की डेफिनेशन क्या है? फैमिली में आता है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन. स्पाउस मतलब वाइफ और हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, यानी कि स्पाउस को और चिल्ड्रन को तो हमेशा ही फैमिली मेंबर माना जाएगा. कुछ कंडीशंस में कुछ और लोगों को भी फैमिली मेंबर माना जा सकता है. कौन लोग हैं ये? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर. यानी कि एक व्यक्ति के पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को रिलेटेड पर्सन यानी कि फैमिली मेंबर तभी माना जाएगा अगर ये पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर या सिस्टर इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है. रिलेटेड पर्सन का मीनिंग समझ में आया आपको? नेक्स्ट आता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस. डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस के दो पॉइंट हैं और ये टॉपिक है वैसे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर का, बट क्योंकि यहाँ के लिए रेलेवेंट है इसलिए उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे. डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी shall be treated as distinct persons in respect of each such registration. Ma'am, हमें ये पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आया, तो इसको आप भूल जाओ. आपको इजी वर्ड्स में बताते हैं. अगर ये एक व्यक्ति है और इस एक व्यक्ति ने अलग अलग registrations लिए हुए हैं, वो registrations एक ही स्टेट में भी हो सकते हैं या हो सकता है दो स्टेट्स में अलग अलग registration हो, या हो सकता है एक स्टेट में दो registration हो, एक और स्टेट में एक registration हो, तो हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए इस व्यक्ति को अलग व्यक्ति माना जाएगा. एक ही पर्सन है जिसने रजिस्ट्रेशन दिए हुए कई, तो हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए इस व्यक्ति को एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस. ऐसा व्यक्ति जो है तो एक ही, लेकिन हम टैक्स के लिए डीम कर रहे हैं कि वो डिस्टिंक्ट है यानी कि सेपरेट है. डीम्ड डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आया आपको? प्रिंसिपल की डेफिनेशन और एजेंट की डेफिनेशन मैंने आपको मोटा मोटे तौर पे समझा दिए. अब आप ये खुद रीड करोगे. दिस इज योर होमवर्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.